हरियाणा पुलिस के ध्येय वाक्य में सेवा और सहयोग के साथ साथ एक शब्द सुरक्षा भी है, लेकिन लोगों को सुरक्षा का आश्वासन देने वाली हरियाणा पुलिस, क्या वो खुद सुरक्षित है? ये एक बड़ा सवाल है। ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आए दिन हरियाणा पुलिस पर हमले हो रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही गौ तस्करों ने भी हरियाणा पुलिस पर हमला कर दिया था, जिसमें गौ तस्करों ने हरियाणा पुलिस की डायल 112 गाड़ी को धक्का मार दिया था। अब आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में एक शख्स गालियां देते हुए हरियाणा पुलिस की डायल 112 गाड़ी को तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आसपास एक भी पुलिसकर्मी इसका सामना करने की हौसला नहीं जुटा पाए। दरअसल ये मामला कैथल का है, जहां माँ और बेटे में किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था, तो आरोपी की माँ ने मदद के लिए डायल 112 पर मदद मांगी, जिसको लेकर हरियाणा पुलिस की डायल 112 की एक गाड़ी वहाँ पहुँची। गाड़ी के वहाँ पहुँचने पर आरोपी मलकीत भड़क गया और गंडासी लेकर पुलिस पर हमला कर दिया। इस मामले को देखकर पुलिसकर्मी हक्का बक्का रह गए और जान बचाकर गाड़ी वहीं छोड़कर खुद रफू चक्कर हो गए। इधर आरोपी मलकीत पुलिस की गाड़ी पर ताबड़तोड़ गंडासी से हमला करता है और गाड़ी के शीशे, लाइट और सायरन को तोड़ दिया। इस मामले को लेकर थाना प्रभारी राजेंद्र ने बताया कि आरोपी की मां ने डायल 112 पर मदद मांगी थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो आरोपी ने गंडासी के साथ पुलिस कर्मचारियों पर हमला कर डायल 112 की गाड़ी को पूरी तरह से तोड़ दिया। पुलिस पर जानलेवा हमला करने सहित अन्य धाराओं में आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। ये बलराज नगर गली नंबर 4 की घटना है। ये जो आरोपी है, इसकी माता ने गाड़ी बुलाई थी, डायल 112 पे फ़ोन किया था कि मेरा बेटा, इसका नाम मलकीत है, तो भाई ये मेरे साथ मारपीट कर रहा है। तो उस इवेंट पे डायल 112 की गाड़ी है जो वहाँ पे गई थी, ERV 385 मौके पे गई थी। तो जैसे ही ये मौके पे गए और इन्होंने उससे, मलकीत से पूछताछ की, तो वो बोला कि हमारा आपसी पारिवारिक झगड़ा है, तो भाई आप यहाँ क्या लेने आए हो। तो उसने पुलिस वालों के साथ, जो वहाँ मौके पे गए थे, उनके साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। और जैसे ही फिर वो पुलिस वाले थोड़े पीछे हटे, तो वो घर से अंदर से जाके गंडासी लेके आया और उसने पुलिस वालों के भी ऊपर वार करने की पूरा प्रयास किया और वार किया, जो कि गाड़ी पे लगा जाके, और गाड़ी भी वो पूरी तरह से टूट चुकी है और उसमें जो बोनट है उसके ऊपर भी गंडासी का जो निशान है वो भी देखा जा सकता है। वो पुलिस वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, आरोपी को वही मौके से गिरफ्तार कर लिया था। कंट्रोल से हमें सूचना मिली थी, हम मौके पे पहुंच गए थे टीम के साथ, तो वहाँ आरोपी घूम रहा था और वहीं से उसको गंडासी के साथ ही गिरफ्तार कर लिया था। तो मुलाजमों ने भाग कर जान बचाई, ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल, जैसे कि उसने वो गंडासी लाया, तो वो दो मुलाजम थे और तो वो गंडासी को के साथ वार करना चाह रहा था, तो अपना उन्होंने, मुलाजमों ने ही इधर उधर बाज के जान को बचाया। तो सर इसमें कौन कौन सी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया? इसमें 323, 332, 353 और 307 और 427 IPC के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया और आरोपी को आज जुडिशियल भेज दिया गया है।